कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण महाराज के बारे में कहा जाता है विघ्न बाधाओं का अंत कर देते हैं, दुखों का अंत करके खुशियों का आगमन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार आपके घर में चल रही कला का अंत करके, भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार आपके घर में चल रहे तमाम विपत्तियों का अंत करके पारिवारिक सुख, वही सुख जो आपके जीवन को आनंद देता है, वो सुख पुनः वापस कराएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विनोद भरद्वाज और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रो तक के माध्यम से सुंदर सा एपिसोड। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फेसबुक में भी यही सब कार्य करेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन में सब कुछ पा सकता है लेकिन खुशियां तो प्रभु देता है। खुशियां तो उसके जीवन के जो पुण्य हैं वो देते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के का जो पाप होता है वो हमारा इस जन्म में भी पीछा करता है और तमाम दुखों को देता है। इसलिए इस जन्म अष्टमी अर्थात 23 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को एक छोटा सा मंत्र विधि विधान पूर्वक जप के आप अपने घर की खुशियों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। आप अपने घर की विघ्न बाधाओं को पुनः स्थापित कर सकते हैं। आप अपने घर में हर प्रकार से खुशहाली, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता का वरदान ला सकती, दे सकती हैं, या आप अपने घर में खुशहाली का वरदान दिला सकते हैं। ये छोटे से मंत्र को का पाठ करके, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार आपके जीवन में खुशहाली देंगे। तो अब अपने लोग चर्चा करते हैं कि वो मंत्र कौन सा है जिस मंत्र का जन्म अष्टमी के दिन किसी भी समय श्रद्धा आस्था पूर्वक अपने घर के मंदिर में बैठ के, आप पीले आसन पे बैठ के घी की ज्योत जलाएं, चावल के पुंज पे घी के ज्योत को स्थापित कर दें और एक धूप बत्ती जला के पीले फूलों की माला लड्डू गोपाल को स्थापित करके अपने मन से निवेदन करें कि प्रभु मेरे घर के विघ्न बाधाओं को आप दूर करके हमारे घर में शांति का वातावरण बनाएं, क्योंकि जब जब अधर्म होता है भगवान श्री कृष्ण अधर्म का नाश कराने के लिए महाभारत तक करा देते हैं, अर्थात दुष्टों को मारने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। तो मंत्र कौन सा है आपको मैं उस मंत्र के बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मंत्र कहीं गलत ना हो इसके लिए एक दो बार आवृत्ति कर लीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयम नुमा प्रणत क्लेश नाशाय, हे प्रभु हमारे घर के क्लेश, तमाम प्रकार के ग्रह गोचर की दिक्कतों का, हमारे घर में तमाम प्रकार से जो 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 अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, इनका आप समूल नाश करके हमारे घर में
शांति की स्थापना करें, हर प्रकार से खुशहाली, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता की प्राप्ति कराएं। इस मंत्र का कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन से शुरुआत करके 41 दिन तक लगातार पाठ करें, फिर 41वें दिन आप हवन करके इसकी पूर्णाहुति करें। निश्चित रूप से देखिएगा, आपके घर के क्लेश दूर हो जाएंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।